नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष, आपका साथी, आपका गाइड, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एक्सीलेंस क्लासेस पर। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व कर रहे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, जो हमारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात ये है कि आप जो वीडियो देखते हैं उसे लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हम 3 क्वेश्चन तक अब सॉल्व कर चुके थे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 ईयर्स एगो एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज 1/3। यानी कि वो बोल रहा है कि रहमान्स की एज का, यानी कि 3 साल पहले जो रहमान्स की एज थी और 5 साल बाद जो रहमान की एज होगी, उन दोनों का रेसिप्रोकल कर अगर हम उन्हें ऐड करें तो 1/3 मिलेगा। तो इसके लिए हमें चाहिए कि प्रेजेंट एज क्या है रहमान की। तो हम मानेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी एक्स ईयर। प्रेजेंट एज हो गई रहमान की एक्स ईयर, 3 ईयर्स एगो रहमान्स एज बी एक्स माइनस 3 ईयर एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। यानी कि आज से 5 साल बाद रहमान की एज होगी एक्स प्लस 5 ईयर। अब वो बोल रहा है कि अगर हम इन दोनों की एज को रेसिप्रोकल कर ऐड करें तो हमें मिलेगा 1/3, यानी कि 1/(x-3) प्लस 1/(x+5) इक्वल टू 1/3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम लिया हमने यहाँ पर, x-3 x+5, यहाँ आ गया आपका x+5 प्लस x-3 इक्वल टू 1/3। x+x 2x, 5-3 प्लस का 2, इंटू कर लिया यहाँ पर x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, 3×2=6x प्लस 6 इक्वल टू x² 5x प्लस माइनस 3x का बचा आपका प्लस का 2x एंड माइनस 15। सभी डिजिट्स को एक साइड में ले जाएंगे तो x² जब 6x इधर जाएगा माइनस का, तो माइनस का 4x बचेगा, माइनस 15, और जब 6 जाएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं आप इसको और क्वाड्रेटिक मेथड से भी कर सकते हैं। हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो x² माइनस, यहाँ फैक्टर क्या होंगे, 4 की जगह पर 7 और 3, तो माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा हमारा x-7, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x-7 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x-7 कॉमन आ गया, दूसरे ब्रैकेट में बचा x+3 इक्वल टू 0। जब x-7 को 0 के इक्वल किया हमने तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 7, केस 1, और दूसरा जब x+3 को 0 के इक्वल किया तो यहाँ से x की वैल्यू आई -3। अब एज किसी की भी वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो बची की हमारे पास x=7, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ रहमान कितनी आ गई, 7 ईयर। रहमान अभी 7 साल का है। क्वेश्चन देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है आपका, वो बोल रहा है कि
सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, इससे अभी जो सॉल्व किया है वो 4 था। तो विजय बोल रहा है इन क्लास टेस्ट द सम ऑफ सैफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30, यानी कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश में मिलाकर उसके जो नंबर हैं वो हैं 30। हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, अगर उसे मैथमेटिक्स में 2 नंबर ज़्यादा मिलते हैं यानी कि m+2 हो गए और इंग्लिश में 2-3 नंबर कम मिलते हैं, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है आपका 210। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, हमें इन दोनों सब्जेक्ट में इनके नंबर फाइंड करने हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में हमने उसके नंबर मान लिए सैफाली के एक्स, तो इंग्लिश में कितने हो गए उसके नंबर, अब कोई 2 नंबर का सम दे रखा है 30, अगर एक एक्स है तो दूसरा होगा 30-x, यानी कि ये हो गए 30-x। अब वो कह रहा है मैथमेटिक्स में अगर 2 नंबर इंक्रीज कर जाते हैं तो न्यू नंबर कितने होंगे, न्यू नंबर इन मैथमेटिक्स कितने होंगे, x+2, और इंग्लिश में 30-x-3 यानी कि 27-x। अब जो नए नंबर आए हैं हमारे, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें तो मिलेगा हमें 210, यानी कि x+2 और 27-x = 210, ये मिलेगा हमें। हम यहाँ इंटू करेंगे x × 27, 27x - x² + 54 - 2x = 210। तो यहाँ 27x - 2x = 25x - x² + 54 = 210, सभी वैल्यूज को एक साइड में ले जाइए तो ये बन गया x² - 25x + 210 - 54 = 0, यानी कि x² - 25x, अब ये प्लस माइनस माइनस होगा, 210 प्लस की बड़ी है तो साइन प्लस का आएगा, माइनस कीजिए 10 में से 4 गए तो 6 बचे, यहाँ 0 यानी कि 10 में से 5 गए तो 5 और यहाँ 1, ये आपका 156 आ गया। अब इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कीजिए कर सकते हैं चाहे क्वाड्रेटिक मेथड से कर लीजिए, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ चलते हैं, तो 156 के हम फैक्टर करते हैं, अब प्लस माइनस करके यानी कि प्लस करके, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस में ही है, 1 × 56 तो यहाँ 25 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 नंबर, यानी कि 13 + 3 = 6 = 12, x² - 13 + 12x + 156 = 0, यानी कि आपका आ गया x² - 13x - 12x + 156 = 0, दोनों में से x कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया आपका x - 13, यहाँ से 12 कॉमन ले लिया, ये आ गया आपका x - 13 = 0, अब इन दोनों ब्रैकेट में x - 13 कॉमन ले लिया तो इस वाले ब्रैकेट में आ गया x - 12। अब देखिए x - 13 को अगर हम 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें x = 13, अगर हम x - 12 को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से मिलेगा x = 12। अगर हम मैथमेटिक्स में उसके नंबर 13 मानते हैं, अगर हम मैथमेटिक्स में 13 मानते हैं तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे उसके नंबर, 30-13, 30-13, 17। अगर हम मैथमेटिक्स में उसके नंबर 12 मानते हैं तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे उसके नंबर, 30-12, 18। आपके दोनों आंसर सही हैं, 13-17 भी और 12-18 भी, नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। यानी कि जो डायगोनल है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो शॉर्टर साइड से 60 ज्यादा है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। ये देखिए अब इसको समझिए, यानी कि ये हमारा कोई एक रेक्टेंगल है, ये शॉर्टर साइड है, ये लॉन्गर साइड है और ये इसका डायगोनल है। नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी। तो हम क्या करेंगे, सारी इक्वेशन जो है वो शॉर्टर साइड के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम शॉर्टर साइड को मान लेते हैं एक्स। लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स। शॉर्टर साइड को मान लिया हमने एक्स। अब ये बोल रहा है कि जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 ज्यादा है, यानी कि ये डायगोनल जो है वो एक्स प्लस 60 हो गया और जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 ज्यादा है, यानी कि एक्स प्लस 30। और हम सभी जानते हैं कि रेक्टेंगल के चार एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तब देखिए इस ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी ये 90 डिग्री का एंगल है, इसमें पाइथागोरस लग जाएगी, शॉर्टर साइड हो गई एक्स, डायगोनल हो गया डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हो गया आपका एक्स प्लस 60 और लॉन्गर साइड हो गई, लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल हो गई आपकी एक्स प्लस 30। अब इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये होती है आपकी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है इसमें आपकी बी सी, यानी कि एक्स का स्क्वायर, बेस एक्स प्लस 30 का स्क्वायर और हाइपोटेनियस है आपकी डायगोनल एक्स प्लस 60 का स्क्वायर। एक्स का तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं फॉर्मूला, वैसे सभी को पता ही होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू इधर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये आ गया आपका। अब सभी को एक साइड में ले आइए, यहां हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, जब इस साइड से लेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 3600, माइनस का 120x इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका बचा एक्स स्क्वायर, 60x प्लस के 120x माइनस के, तो आपके बचे माइनस के 60x, प्लस के 900 माइनस के 3600, तो आपके पास बचे माइनस का 2700 इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर करके भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक मेथड से भी कर सकते हैं, तो ये 2700 के फैक्टर करेंगे, इधर देखिए ये आपके फैक्टर आ गए। अब इन फैक्टर को आपको इस तरह से अरेंज करना है कि आपको माइनस करके 60 मिले, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके 2700 मिले। कोई दिक्कत नहीं, करते हैं चलिए। 5 5 25, 25 3 75,
75 3 75 3 जा, यहाँ 3 आएगा। तो आप इन फैक्टर्स को अरेंज कीजिए इस तरह से कि माइनस करने पर हमें 60 मिल जाए, मल्टीप्लाई करने पर 2700 मिल जाए। तो सोचिए क्या होंगे फैक्टर, 5 25 3 75 3 225 75 लें 36 कर। चलिए हम इसके फैक्टर देख रहे थे दोस्तों, तो इसके फैक्टर बनेंगे आपके 5 3 15 3 45 2 90 और 2 3 6 5 30। 90 में से जब 30 माइनस करेंगे तो 60 मिलेगा और 90 × 30 करेंगे तो 2700 मिलेगा। तो 90 − 30x − 2700 = 0। एक्स स्क्वायर माइनस 90x + 30x − 2700 = 0। तो इन दोनों में से x कॉमन लिया हमने, x − 90, यहाँ से 30 कॉमन लिया, यहाँ आ गया आपका x − 90 = 0। दोनों पेयर में से x − 90 कॉमन आ गया आपका, यहाँ बचा x + 30। अब एक एक करके इन दोनों को जीरो के इक्वल करेंगे। तो जब x − 90 को 0 के इक्वल किया हमने तो यहाँ से x की वैल्यू मिली हमें 90, और जब x + 30 को 0 के इक्वल किया तो यहाँ से x की वैल्यू मिली −30। तो −30 तो पॉसिबल ही नहीं है, साइड नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती है। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 90, यानी कि आपकी जो शॉर्टर साइड है वो आ गई आपकी 90, जो लॉन्गर साइड है वो आ गई आपकी 90 + 30 = 120, और जो डायगोनल है वो आ गया आपका 90 + 60 = 150। ये आपके आंसर आ गए। और इसमें पूछ क्या रहा था, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, यानी कि आपकी साइड आ गई फील्ड की, ये 90 आ गई, ये 120 आ गई, तो ये भी 120 और ये भी 90, क्योंकि रेक्टेंगल है। नोट कर लीजिए, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180, यानी कि दो नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो आपको दे रखा है 180, यानी कि एक मान लिया हमने एक्स स्क्वायर, दूसरा मान लिया हमने वाई स्क्वायर, यानी कि डिफरेंस दे रखा है, यानी कि माइनस ये आपको दे रखा है 180। और उसके बाद वो बोल रहा था स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 times द लार्जर नंबर। तो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो बड़े वाले के 8 times है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बोल रहा है फाइंड टू नंबर्स, तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर की जगह 8x पुट करेंगे उसमें। हमने स्मॉलर नंबर लिया है वाई और लार्जर लिया है x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x = 180, एक्स स्क्वायर माइनस 8x − 180 = 0। आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, 180 के फैक्टर कर लीजिए कि माइनस करके 8 मिल जाए आपको, और मल्टीप्लाई करके 180 ही रहे, या क्वाड्रेटिक मेथड लगाना चाहें तो क्वाड्रेटिक मेथड भी लगा सकते हैं आप। ये आपके फैक्टर आ गए। अब आप देखिए
क्या इसमें आप क्या लेंगे। तो हमने दिख रहा है कि 3 3 या 9 2 या 18 और 5 × 2 10 18 और 10 का मल्टीप्लाई 180 है, और 18 में से अब 10 माइनस करेंगे तो 8 मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 लिख लिया हमने 8 की जगह पर। तो जब ब्रैकेट को ओपन किया तो ये बना आपका एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस इंटू माइनस प्लस का 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन लिया, यहाँ आ गया आपका x माइनस 18, यहाँ से 10 कॉमन लिया, ये आ गया आपका x माइनस 18 इक्वल टू 0। दोनों पेयर में से x माइनस 18 कॉमन आ गया, इसमें आ गया x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब जब इसको 0 के इक्वल किया तो x माइनस 18 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 18। जब इसको 0 के इक्वल किया तो x प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 10। अब देखिए, माइनस 10 अगर आप लेते हैं x की वैल्यू, तो जो y स्क्वायर है वो नेगेटिव हो जाएगा, और हम सभी जानते हैं कि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए x की वैल्यू माइनस 10 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, x की वैल्यू 18। जब हम x की वैल्यू 18 लेंगे तो y स्क्वायर की हमें वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से 8x है हमारा, तो 8 × 18 ये y स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन हमें चाहिए y। तो जब यहाँ से रूट स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा 8 × 18। इसके फैक्टर कर लेंगे अंदर, 2 2 जा 4 2 जा 8, और ये 18 का 3 3 या 9 2 जा 18, एक पेयर, ये दूसरा पेयर, और ये 3 का पेयर, यानी कि 2 × 2 × 3, ये आ गई आपकी y की वैल्यू कितनी, 12। स्मॉलर नंबर आ गया आपका 12, और जो लार्जर नंबर है आपका वो है आपका 18। ये दोनों आपके आंसर हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अभी हमारे इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन बचे हैं, आप इनको ट्राई कीजिए। अगर नहीं आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताइए, हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कल तो हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन आप भी खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।